नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विपिन परमार। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि ये खूबसूरत पहाड़ है। हिमाचल ने हाल ही में जिस तरह से त्रासदी झेली है, अब धीरे धीरे हिमाचल पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। पर्यटक एक बार फिर से हिमाचल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। सर्दी का सितम जो है वो लोगों को, यानी कि पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं उनको सताने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। अगर आप किन्नौर या लाहौल स्पीति या बाकी इलाकों की बात करें तो जगह जगह पर जो बर्फबारी के इंसिडेंट्स हैं वो लगातार हो रहे हैं। और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से, यानी कि मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मौसम जो है वो खुशनुमा रहेगा। ये पहाड़ों की सर्दी जो है वो धीरे धीरे मैदानी इलाकों पर भी अपना प्रभाव जो है वो बनाती नजर आ रही है। चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 17 से 18 डिग्री जो है रात का दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में कसौली और मोरनी की खूबसूरत पहाड़ियाँ जो लगती हैं, उनसे जो रात को हवाएं शीत यानी कि ठंडी हवाएं चलती हैं, वो कहीं ना कहीं मौसम की खुशमिजाजी को बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी मौसम ज़रूर खिला हुआ है, धूप है, लेकिन हल्की सी ठंडक जो है वो मौसम में महसूस की जा सकती है। और पारा हिमाचल के कई इलाकों का जो है वो जो बर्फबारी के कारण जो है वो और नीचे गया है। ऐसे में हिमाचल के अलग अलग जगहों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो भी दर्ज किया गया है। लेकिन जिन इलाकों में बर्फबारी है हुई है वहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर जो है वो गया है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से सर्दी जो है वो अपने चरम पर होगी। ऐसे में जिस तरह के हालात हिमाचल ने देखे, यानी कि बरसात के मौसम में जिस तरह का तांडव रूप देखा, पहाड़ दरकते दिखाई दिए, बाढ़ आती दिखाई दी, ऐसी परिस्थितियों में अब हिमाचल एक बार फिर से नॉर्मेलिटी यानी के सामान्य जीवन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में पर्यटक जो कि रुक गए थे, थम गए थे, जिस तरह से जो पहाड़ों की जिस तरह से जो तबाही हुई उसके बाद से एक बार फिर से पर्यटक जो हैं वो पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। यानी कि जो लोग टूरिज्म के बिजनेस में हैं, चाहे छोटे छोटे ढाबे हों, चाहे होटलियर्स हों, वो तमाम लोग जो हैं अब पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैदानी लोगों के जो रहते हैं, जो पर्यटक रहते हैं, उनको बर्फ़ या फिर ठंडक के लिए जो है वो पहाड़ी इलाकों का वो रुख करते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बर्फबारी के भी आसार हैं, यानी कि शिमला और आसपास के इलाकों में जब दिसंबर का महीना रहता है तो बर्फबारी के आसार रहते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों की तैयारी, पर्यटकों के स्वागत की तैयारी जो है वो तमाम इस पूरी इंडस्ट्री यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोगों की ओर से पूरी कर ली गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में शीतलहर व ठंडी हवाएं, यानी कि इन पहाड़ों का प्रभाव जो है, इन पहाड़ों की जो ठंडक है वो मैदानी इलाकों पर भी अपना असर दिखाती नजर आएगी।